एवरीवन आप लोग कैसे हैं, होप कि आप लोग अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, बिहार रजिस्ट्री का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए भटक रहे हैं लोग, नीतीश सरकार बदलेगी अपना फैसला, तमाम जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तक अपने चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ताकि भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जमीन निबंधन मामले में नए नियम लागू होने के बाद से खरीदार और विक्रेता परेशान है। दोनों निबंधन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर प्रयास करने के बावजूद इससे कोई मदद नहीं मिलती है। बताया गया कि सरकार ने यह नियम लागू किया है, जिसके नाम पर जमीन है वही इसकी रजिस्ट्री करा सकता है। बिहार के निबंधन कार्यालय में आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आंकड़े पर नजर डाले तो 1 मार्च 2024 से 11 मार्च तक जो है 11 दिन में कुल जो है 193 रजिस्ट्रेशन हुई है और 10 मार्च को एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 7 मार्च को रजिस्ट्रेशन की संख्या सबसे ज्यादा भी, पंजीकरण की संख्या में गिरावट आई है। निबंधन कार्यालय में 10 दिनों में मात्र 193 निबंधन हुई है। नए नियम लागू होने से पहले एक दिन में 80 से 90 रजिस्ट्रेशन होते थे, अब जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन की है रजिस्ट्री उसी के नाम से जो है रजिस्ट्री खाली कराई जाएगी, यानी कि खोली जाएगी की जाएगी। तो मैं बता दूं कि बिहार में जो है अभी रजिस्ट्री को लेकर अभी जो है उसमें नियमावली कुछ लाया गया है, जो कि संशोधन किया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, ताकि जो है भविष्य में जमीन से जो विवाद उत्पन्न होता है उसमें कमियां आए, क्योंकि अधिकतर आपको विवाद जो है जमीन से ही संबंधित रहते हैं और जमीन किसी और के नाम से रहता है और कोई और रजिस्ट्री कराता है, जिसको लेकर भविष्य में झगड़ा मारपीट होते रहता है, जिससे कि आपको बता दूं कि क्राइम भी बढ़ता है। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही नए अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।